और जिस केस की हम बात लगातार कर रहे हैं, अब जो केस हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो कहानी किसी एक ज्योति मौर्य की नहीं। यहाँ कोई एक आलोक नहीं है, कई कहानियां हैं, कई किरदार जिनका दर्द एक जैसा है। एक जैसी कहानी कानपुर की सविता मौर्य ने भी कुछ वैसा ही किया। एसडीएम ज्योति मौर्य ने जिस तरह का किया है या जिस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं। कहानी कुछ वैसी ही है, किरदार पति और पत्नी, मुद्दा भी वही। पति का आरोप है कि उसने पत्नी को पढ़ाया लिखाया और नौकरी हासिल करने में मदद की, लेकिन नौकरी मिलने के बाद पत्नी ने उन्हें ठोकर मार दी। इनका नाम अर्जुन है, जिनके मुताबिक उनकी शादी अब सिर्फ इन तस्वीरों में ही बची है। वास्तविकता में इनकी पत्नी सविता मौर्य ने इनका साथ छोड़ दिया है और जिन्हें पढ़ाने के लिए इन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, भारी कर्ज में डूब गए। लेकिन जब पत्नी की नौकरी से सुख हासिल करने और साथ में मिलकर घर चलाने की बात आई तो सविता मौर्य ने साथ छोड़ दिया और जान से मारने की धमकियां तक देने लगी। तो जब से बने 2 महीने तो ठीक थी, उसके बाद बहक गई और तब से हमसे अलग रह रही है और लगातार धमकियों भी देती है कि मरवा देंगे, कई टुकड़ों में कटवा देंगे। पति पत्नी का झगड़ा है, आपसी लड़ाई है, दोनों तरफ के दावे अलग अलग हैं। अर्जुन जहां अपनी पत्नी पर धोखा देने और धमकियां देने का आरोप लगा रहे हैं, तो उनकी पत्नी का दावा है कि उन्हें अपने पति से इसीलिए अलग होना है क्योंकि वो ना पढ़ना लिखना चाहते हैं और ना ही नौकरी करना चाहते हैं। उसके पास इज्जत तो है नहीं, कुछ करना है नहीं, पढ़ना लिखना तो है नहीं, जॉब तो करना है नहीं, तो क्या करूं। वहीं पति अर्जुन का कहना है कि वो मजदूरी करते हैं, किसी तरह से अपने घर का खर्च चलाते हैं, लेकिन जब शादी के बाद पत्नी ने आगे पढ़ने और नौकरी करने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने आगे बढ़कर उनकी मदद की, कर्ज लेकर नर्सिंग की पढ़ाई के लिए फीस भरी। लेकिन जब उनकी पत्नी की नौकरी लगी तो उनकी पत्नी ने शहर बदल दिया और उन्हें और उनके परिवार को पीछे छोड़ दिया। केवल फीस तो लगभग 6-7 लाख रुपए फीस में हमने बर्बाद किया इनके, बाकी रूम का किराया चीजें वो अलग चीजें हैं। पैसे का अरेंजमेंट था, कुछ फैमिली के लोग सपोर्ट किए थे, बाकी बाद में सपोर्ट करना बंद हो गया था इनके हरकतों की वजह से। तो हमने कई जगह से कर्जा लेके और फिर हमने इनको पढ़ाया लिखाया है। अर्जुन की पत्नी सविता मीडिया के कैमरे पर ज्यादा कुछ बात नहीं करना चाहती, लेकिन फीस के दावे पर सविता मौर्य अपना ही दावा पेश कर रही है और कह रही है कि उनके पति अर्जुन ने सिर्फ 1 साल की फीस भरी, 1 साल ही पढ़ाया। आप बताइए बीएससी नर्सिंग का कितना फीस है, 1 साल का फीस कितना होता है? अब ये 1 साल पढ़ा के अपना घर बेच दिया है, 1 साल सिर्फ पढ़ाया हमें। वो कहने से तो इंसान कुछ भी ब्लेम कर सकता है कितना किया, लेकिन जो किया वो जानता है, वो तो कुछ नहीं किया 1 साल करके। बाकी पढ़ाई सविता मौर्य ने कैसे की और उसके लिए फीस कहां से जमा की, इस बारे में उन्होंने कैमरे पर नहीं बोला। लेकिन उधर उनके पति अर्जुन फीस की रसीद दिखा रहे हैं, उनकी पत्नी की पढ़ाई से जुड़े दस्तावेज दिखा रहे हैं और ये भी जाहिर कर रहे हैं कि उनकी पत्नी उन्हें तलाक देना चाहती है, लेकिन वो तलाक के लिए राजी नहीं है। मैं इनको डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ, ये जबरदस्ती मेरे ऊपर दबाव बना के और हमसे डिवोर्स लेना चाहती है, तो ये म्यूचुअल डिवोर्स का फाइल हुआ था, लेकिन अभी डेट में हमने वकील साहब से कहा हुआ है कि हमें नहीं लेना है। एक दो नहीं, ऐसे कई मामले अब मीडिया में सामने आने लगे हैं। अर्जुन का आरोप है कि सविता मौर्य के घर वालों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें मारा पीटा और जान से मारने की धमकी भी दी। तो ऐसी कई कहानियां अब सामने आ रही हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे।